जो जाट बाहुल इलाका है, आरएलडी के बात करें या फिर राकेश टिकैत की, जो एक चुनौती अध्यक्ष बनने के बाद आपके पास आई है, उसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या काट राकेश टिकैत जी कोई पॉलिटिकल आदमी देखो है? उनके संगठन के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें वोट देते हैं। वो कहते रहे पूर्व में लोकसभा में उन्होंने वोट दिया, उन्होंने बयान में किसी भी समाज के या किसी विषय में आवाज उठाना कोई गलत नहीं है जी। किसानों की आवाज उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, अच्छी बात, मैं भी सहमत हूं, उसमें कोई समस्या नहीं। जहां तक राजनीतिक दलों का विषय, राजनीतिक विषय, तो हम अपनी बात समाज के सब वर्गों में कहते हैं। हमने जो जो काम किए, हमारी विचारधारा समाज के देश के हित में क्यों है, ये सब हम बताते हैं लोगों, और अपनी सरकार के आधार पर, कामकाज के आधार पर हम लोग वोट की अपील हमेशा करते हैं। इस बार भी करेंगे, पिछली बार भी विधानसभा में हमने करी। तो मेरे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास, समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता, तो सक्रियता मेहनत के आधार पर लोगों से हमारा गठबंधन है। हम लोगों के अच्छे बुरे में, दुख दर्द में सहभागी हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का, देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, ये मेरी